तो यार आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ न्यू ईयर स्पेशल बिस्किट एंड ड्राई फ्रूट्स केक की बहुत ही आसान रेसिपी, वो भी बिना ओवन के। ये केक बहुत ही कम मेहनत में एकदम बढ़िया टेक्सचर के साथ बेहद सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार होता है। पर आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आगे आने वाली सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज आप तक पहुँचती रहे। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हमें लेने हैं बिस्किट्स। तो इस केक के लिए हम लेंगे क्रीम वाले बिस्किट्स, क्योंकि इसमें फैट और शुगर बराबर अमाउंट में रहता है, तो आपको अलग से बटर या शुगर डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ यूज किए हैं हाइड एंड सीक्स, बार बर्न और ओरियो, पर आप कोई भी अपनी पसंद के चॉकलेट क्रीमी बिस्किट्स ले सकते हैं। अब इन सभी को हम एक ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफर कर लेते हैं और इनको एकदम बारीक पाउडर में पीस लेना है। तो ये हमारे बिस्किट्स का अब एक फाइन पाउडर बन चुका है। इसको अब किसी बर्तन में खाली कर लेते हैं। अब लेना है उबला हुआ दूध और ये बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है। इसको अब थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए एक बहुत ही स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। यहाँ मैंने इस बैटर को बनाने के लिए टोटल एक ग्लास दूध का यूज किया है। अब आप जो भी ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद करते हो उनको भी इसमें डाल सकते हो। मैं ले रही हूँ कुछ कटे हुए बादाम, थोड़ी किशमिश और कुछ कटे हुए काजू। अब इन सभी को भी केक के बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे एक तरफ अलग रख देते हैं और झटपट से अपना केक टिन तैयार कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले केक टिन को थोड़ा ऑयल लगाकर अच्छी तरह चारों तरफ से ग्रीस कर लेती हूँ और इसके बाद फिर थोड़ी सूखी मैदा इसमें डस्ट करके चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड करनी है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आपको ये स्टेप करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बटर पेपर को ही ग्रीस करके टिन में लगा सकते हो। और अब फिर से बैटर की तरफ चलते हैं। इसमें डालो एक चम्मच जितना इनो और दो छोटी चम्मच जितना दूध डालकर जल्दी से इस बैटर को फेंट कर मिक्स कर दो। याद रहे, ये स्टेप करने से पहले आपका केक टिन और गर्म कढ़ाई दोनों चीज़ें रेडी होनी चाहिए। अब मैंने बैटर को टिन में ट्रांसफर कर लिया है और ये रही कढ़ाई, जिसको मैंने 5 मिनट पहले से ही स्लो फ्लेम पर रखा हुआ था और इसके बीच में रखा है एक स्टैंड, या आप इसकी जगह कोई प्लेट भी रख सकते हो। अब इसके ऊपर बैटर वाला टिन रखकर कढ़ाई को किसी बड़ी प्लेट से कवर करके करीब 25 मिनट के लिए केक को बेक करना है। तो देखो, अब 15 मिनट हो चुके हैं और केक भी हमारा फूल कर ऊपर आ चुका है और साइड से थोड़ा ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। इस स्टेज पर आप इसके ऊपर अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स या चोको चिप्स डाल सकते हो। मैंने यहाँ डाले हैं बारीक चॉप करे हुए बादाम और पिस्ते। और अब फिर से इसे कवर करके 10 मिनट के लिए और बेक करना है। तो अब टाइम हो चुका है पूरा। अब हम अपने केक को एक बार चेक कर लेते हैं। इसके लिए किसी टूथपिक या नाइफ को इंसर्ट करके आप देख सकते हो कि इस तरह से एकदम साफ निकल कर बाहर आई है, तो इट मींस केक हमारा परफेक्टली बेक हो चुका है। अब इसको मैंने कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है। देखो ये कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से आप दो प्लेट्स की हेल्प से इसे बहुत ही इजीली बाहर निकाल सकते हो। और यार ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, डेलिकेट और स्पॉन्जी बना है। इसको अब मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। देखो ये बिल्कुल कॉटन जैसा सॉफ्ट बना है। और अगर बात करें टेस्ट की, तो एक बार बनाकर तो देखो, आप वाह वाह कर उठोगे। और वैसे भी न्यू ईयर पर सभी को केक बनाना और खाना बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करो और फैमिली के साथ न्यू ईयर एंजॉय करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।